उमरिया जिले के ग्राम तखतपुर में मैंने 2018 में एक समस्या वीडियो बनाया था, जिसमें 27 परिवारों के मवेशियों को गुढ़ा रोग हो गया और गुढ़ा रोग हो जाने से वहां के मवेशियां ख़त्म हो रहे थे और किसी प्रकार का इलाज या किसी प्रकार के वहां डॉक्टर नहीं देख रहे थे। हमारे पास ये समस्या है गुड़गुड़ के मामले में, गुड़गुड़ के इतना गुढ़ा आया माँ कि डॉक्टर भी कौन तरीके से न देख के नहीं देखा आज, मतलब का गाँव में का हुआ है, डॉक्टर नहीं आ रहा है भाई। ये तखतपुर गांव में मवेशी मर रहे हैं और बिल्कुल पलाट पड़े हैं। हमारे बच्चे एक थे गढ़ा के वजह से खत्म हो गए और दवाई असर नहीं कर पाए कहीं। यह समस्या से मैं भी पीड़ित था और जब यह समस्या का मैंने वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर अलग अलग ग्रुपों में शेयर किया और जो पशु चिकित्सालय का जो कुलदीप सिंह जी हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने वीडियो को भेजा और उनसे जाके उमरिया में मिला भी, तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं कि किस तरह से इलाज किया जा सकता है। गढ़ा हो गए हैं तो गाँव चल नहीं पाउत रहे हैं, वहाँ से दो बचिया हमारे ख़त्म हो गए हैं। फिर गांव का मनाए कुछ टोटक विद्या करे, कुछ डॉक्टर का बुलाए तो कुछ ठीक है, अब ठीक है। फिर हो गया कुछ डॉक्टर का बुलवाए, कुछ वो दवाई कराई करी, फिर हो गया लोग वहाँ कुछ बताए मान लिया हमें कुछ देसी दवाई के लाने, तो देसी दवाई फिर करे लगे, तो दोनों जब मिले तब फिर मान लिया कुछ गोढ़ा गोढ़ा मान लिया तरा। सब ठीक है तो कैसा अपना लगा? हमें तो बड़ा आनंद है कि गौ माता बड़े सुरक्षित में रहा है और सबको का खाव दिला गए, गौ को दर्शन पावे ठीक है। तब अपना कैसे लग रहा है? अब हमें तो अच्छा लग रहा है कि ठीक है, अब मवेशी चारा थे कोनो चीज़ का तकलीफ नहीं, गोड़ हाथ उनका को सब मतलब वो है सब ठीक है। यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा अपील है कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे इस सहयोगियों को धन्यवाद दें।